हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल पर छोटे बच्चों की स्टडीज को लेकर एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे को ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर हम कैसे सिखाएं। जनरली बहुत से पेरेंट्स को ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर सिखाने में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बार बार सिखाने पर भी बच्चा उसमें मिस्टेक करता है। अगर आप इस वीडियो में बताए तरीके से अपने बच्चे को ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर सिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा कभी भी स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर में गलती नहीं करेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते। इसके लिए सबसे पहले तो आपके बच्चे को काउंटिंग आना जरूरी है। आप कभी स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर सिखाएं तो बच्चे को सबसे पहले एक चीज सिखानी है, यानी कि आपको केवल स्मॉलर नंबर सिखाना है। उसे सिखाने के लिए पहले 1 से 9 तक की काउंटिंग लिख लेनी है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने लिख लिया है। अब उसके बाद मैंने लिखा है 2 और 6। हमें बच्चे से पूछना है, बताओ इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है। स्मॉलर नंबर आप बच्चे को बता सकते हैं कि स्मॉलर नंबर होगा जो काउंटिंग में पहले आएगा या ऊपर आएगा। तो अब हमें देखना है 1 और 2, यहाँ पे 2 है और 6 है, तो पहले कौन आया? 2। या फिर ये कह सकते हैं कि ऊपर कौन आया? 2। तो 2 हुआ हमारा स्मॉलर नंबर, इसको हमें सर्किल कर देना है। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें 9 और 3, इसमें हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा है? 1, 2, 3, 3 पहले आया तो हमारा स्मॉलर नंबर कौन हुआ? 3। इसे सिखाते हुए बस ये ध्यान रखें कि पहले आपको एक ही चीज सिखानी है, स्मॉलर नंबर। अब दूसरा आता है, कई बार हमें ये वाला सिंबल यूज करना होता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये वाला मार्क यूज करूं, ये वाला सिंबल यूज करूं या ये वाला। इसके लिए है सपोज 5 और 1, तो बच्चे को आपको बताना है पहले, हमने जैसे बताया था कि पहले कौन सा आया? 1। काउंटिंग में पहले कौन सा आया? 1। तो अब हम इसमें सिंबल लगाएंगे और हमें स्मॉलर नंबर बताना है, तो स्मॉलर नंबर होगा वो जिसकी तरफ ये चोंच आएगी। जिस और इस सिंबल का मुंह खुला होगा वो हमारा होगा ग्रेटर नंबर, और जिस तरफ ये चोंच आएगी उस तरफ होगा हमारा स्मॉलर नंबर। इस तरह से आप अपने बच्चे को आसानी से स्मॉलर नंबर सिखा सकते हैं। अब इसी काउंटिंग से हम शुरू करेंगे, अब सिखाएंगे 2 डिजिट नंबर। इसके लिए हम कोई भी डिजिट ले लेंगे, जैसे मैंने लिया 64 और 38, आप अपनी चॉइस से कोई भी डिजिट ले सकते हैं। अब इसमें ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर सिखाने के लिए बच्चे को कहें कि पहले वो टेंस प्लेस चेक करें, वंस को हमें अवॉइड करना है। 1, 2, 3, वन प्लेस को, वंस को हमें नहीं देखना है, इसको इग्नोर करना है, केवल टेंस प्लेस को देखना है। 6 और 3 में पहले कौन सा था? 1, 2, 3, हमारा 3 पहले आया तो ये हमारा हुआ स्मॉलर नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सपोज 95 और 92। अब टेंस हमारा इक्वल है तो हम इसमें वंस प्लेस पर फोकस करेंगे और बच्चे को बताएंगे कि काउंटिंग करके इस पर हमें चेक करना है। 1, 2, 2 पहले आया तो ये हुआ हमारा स्मॉलर नंबर। या फिर हम सिंबल यूज कर सकते हैं जिसमें जिसकी तरफ चोंच होगी वो होगा हमारा स्मॉलर नंबर और जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो होगा हमारा ग्रेटर नंबर। इस तरह से जब बच्चा स्मॉलर नंबर अच्छे से सीख जाता है तो उसे आसानी से पता चल जाता है कि जो बैलेंस बचा वो हमारा ग्रेटर नंबर है। इसलिए ग्रेटर नंबर सिखाने की जनरली बच्चे को आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप चाहें तो एक दिन उसे अलग से ग्रेटर नंबर भी सिखा सकते हैं। इस तरह से आपका बच्चा आसानी से ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर सीख जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी भी ना तो इसमें कन्फ्यूज होगा और ना ही कोई गलती करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।